जिला मुख्यालय नाहन में बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने दो अलग अलग बैठकों की अध्यक्षता की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में पांचों विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी मौजूद रहे। उपायुक्त कार्यालय के बचत हॉल में संपन्न हुई जिला कल्याण विभाग की पहली बैठक में आम जनता के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान इन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की जाने वाली राशि पर भी मंथन किया गया। जिला सिरमौर में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस वर्ष करीब 62 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी, जिनमें मुख्य रूप से भवन निर्माण, जरूरतमंदों को पेंशन लगाना आदि शामिल है। मीडिया से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि उन्होंने दो अलग अलग बैठकों की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति विकास योजना के तहत जिला सिरमौर में 99 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जानी है, जिसमें से करीब 23% राशि खर्च की जा चुकी है। शेष राशि अनुसूचित जाति क्षेत्र में रहने वाली जनता के उत्थान के लिए खर्च की जाएगी, जिसमें इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना, स्कूल में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के बच्चों को स्कॉलरशिप आदि देना शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार की इन योजनाओं का आम जनता को लाभ मिले, इसके लिए अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। योजना के तहत खर्च की जा रही धनराशि के बारे समय समय पर समीक्षा भी की जाएगी। एक वेलफेयर समिति की, दूसरी SC कंपोनेंट प्लान की। जहाँ तक वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात है, इसमें कुल जो बजट है 62,98,11,000 रुपये है, जो विभिन्न मदों पर, विभिन्न योजनाओं पर, कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से SC और OBC के लोगों के लिए घर बनाने की सुविधा है और पेंशन्स के विभिन्न मदों में जो पेंशन लगती है उसके पैसे का प्रोविजन है और बहुत से मद हैं। ये आम आदमी की बेनिफिशरीज की स्कीम्स हैं। इन पे जो है आज हमने इसकी पूरी समीक्षा की है कि ये पैसा जल्दी से जल्दी जिला सिरमौर के लोगों के ऊपर खर्च किया जाए। जहां तक SC कंपोनेंट की बात है, SC कंपोनेंट में हमारे पास जो पैसा है वो 89,89,83,86,000 रुपया है, जिसमें से हमने लगभग 23% पैसा अभी तक खर्च किया है। SC समाज के जहां लोग रहते हैं, जो SC डोमिनेटेड जनगणना के अनुसार विलेज, उनकी सड़कों के लिए, उनके स्कूलों के लिए, पेयजल स्कीमों के लिए, वहाँ अच्छा पशुषदालय बने, वहाँ पर आयुर्वेदिक विभाग के द्वारा कोई अच्छा इंस्टीट्यूट बने और मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा अच्छी डिस्पेंसरी बने, बहुत से मद इसमें हम कवर करते हैं। और मैंने आज अधिकारियों से कहा है कि जल जीवन मिशन बहुत बड़ी स्कीम हिमाचल प्रदेश में चली है, जिला सिरमौर में भी चली है। हिमाचल प्रदेश में, विशेष रूप से जिला सिरमौर में, कोई भी घर ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसमें पीने के पानी का कनेक्शन सरकार के द्वारा ना, विभाग ना दे। उसकी मैं कहा विस्तृत योजना बनाइए ताकि हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले। अच्छी सड़कें इन गांव में होनी चाहिए, अच्छे स्कूल वहां पर बनने चाहिए, छात्रवृत्ति की योजना, उन बच्चों को छात्रवृत्ति योजनाओं का बेनिफिट मिलना चाहिए और हर व्यक्ति की पेंशन, जिसकी उम्र 70 साल होगी या उसकी पेंशन लगनी चाहिए विदाउट इनकम। महिलाओं की पेंशन की उम्र इस समय प्रदेश की सरकार ने, परम श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 70 साल से 65 साल कर दी है विदाउट इनकम। केवल वो परिवार उससे वंचित रहेंगे जो इनकम टैक्स पे हैं, बाकी सभी की पेंशन लगेगी उसमें। ये
कार्य युद्ध स्तर पे हर स्तर पे होना चाहिए। इन स्कीमों का आम व्यक्ति को फायदा मिलना चाहिए। समय समय पर हम इसका समीक्षा करेंगे ताकि आम व्यक्ति को जिला सिरमौर के बेनिफिट। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नाहन से प्रदीप कल्याण की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय सागर महादेव हार्डवेयर स्टोर हनोटा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।